हेलो एवरी वन वेलकम टू साइंस सेवन पार्ट ऑफ अन अकेडमी कैसे हो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और आप सभी का स्वागत है इस सिकंदर बैच में और आपको पता है कि जो एस एस है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसी को क्या करेंगे हम धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी को रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे रेगुलर जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साइंस सेवन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा क्योंकि जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको तभी मिलेगा तो जल्दी से आप सभी आ जाइए और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लाइक और शेयर यहाँ पर कर देंगे और साथ के साथ यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे अन अकेडमी एप्लीकेशन भी फ़ॉलो नहीं किया है तो आप सभी क्या करिए फटाफट से जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जाकर कर वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा नाम है खुशबू कुमारी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसलिए इधर उधर घूमने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप सभी को मेरी तरफ़ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जुलाई में आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफ़र लेकर आया है अन अकेडमी तो इसमें क्या कर सकते हैं इससे पहले कि जुलाई में जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो बढ़ जाए इससे पहले क्या करेंगे आप सभी जाकर इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ट्वेंटी फोर मंथ ट्वेल्थ मंथ सिक्स थ्री मंथ वन मंथ जो भी आपको सूटेबल हो जितने समय के लिए भी आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश और साथ ही के साथ यहाँ पर एस और सी एग्जाम के लिए भी बहुत ही शानदार ऑफर है कि अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो है ना यहाँ पर अगर आप वन ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें क्या होगा आपका आपको सिक्स मंथ एडिशनल दिए जाएंगे जिसका अमाउंट है फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ और यहाँ पर अगर बात करें टू ईयर सब्सक्रिप्शन की तो दो साल का लेते हैं तो आप ट्वेल्व मंथ एडिशनल पाएंगे जिसमें सेवन थाउजेंड ट्वेंटी रुपीज़ का क्या है सब्सक्रिप्शन अमाउंट है है ना तो भाई जो बच्चे ग्रेजुएशन uh, कर रहे हैं और साथ के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ऑफर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ठीक है साथ ही के साथ यहाँ पर एक एग्ज़ाम कराया जाता है हर संडे को संडे को एवरी संडे 12 बजे एक कॉम्बैक्ट टेस्ट कराया जाता है जो अन अकेडमी की तरफ से बहुत ही शानदार क्या है एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें स्कॉलरशिप एक करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी और ये ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है या फिर सिर्फ इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है ये दोनों ही माध्यम के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दिक्कत भी नहीं होगी पेपर जो होगा आपका टेस्ट पेपर जो होगा वो बाइलिंगल होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में और इसमें दिए जाएंगे आपको फोर्टी क्वेश्चन है ना चालीस क्वेश्चन होंगे पचास मिनट का आपके पास समय होगा है ना फिफ्टी मिनट्स का तो इसमें जाकर आप क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसमें जाने के लिए इस रास्ते पर जाने के लिए एक दरवाजा आएगा और उस दरवाजे में लिखा होगा एनरोल नाउ तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक कोड है ए एच यू एस एच जीरो वन डबल टू आप इस कोड का यूज करेंगे और जाकर क्या कर लेंगे एनरोल कर लेंगे और इसमें पार्टिसिपेट आप यहाँ पर कर लेंगे अंजलि वेरी गुड गुड मॉर्निंग ललित वेरी गुड मॉर्निंग चलिए तो यहाँ पर एसएससी के लिए भी आपके बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको ऑफर दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हो आ, कि ट्वेंटी फोर मंथ ट्वेल्व मंथ सिक्स मंथ जिसका अमाउंट आप देख सकते हैं कि चौबीस मंथ यानी दो साल का अमाउंट क्या है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड है और ट्वेल्व मंथ की बात करें तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और अगर बात करें सिक्स मंथ्स की तो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज है तो भाई इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको एक कोड जो कि क्या करेगा आपको दिलाएगा टेन परसेंट का यहां पर डिस्काउंट है ना तो डिस्काउंट के लिए क्या यूज करेंगे के एच यू एस एच जीरो वन डबल टू क्लियर है चलिए तो स्टार्ट करते हैं और साथ ही के साथ यहाँ पर रिपोर्ट एंड विन अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर जो आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसमें वो सही नहीं है इन अप्रोप्रिएट है तो इसके लिए सभी आप क्या कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं प्राइजेस ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका सेशन याद रखिएगा कोड है खुश जीरो वन डबल टू जिसमें मिलेगा आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट पहला सवाल है आपके सामने कि सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा कौन सा अंग जो है दर्द महसूस नहीं करेगा यूनेश वेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी स्किन पे है ना आपकी बॉडी पर कोई भी चोट लगती है तो आपका कौन सा पार्ट जो है इसमें इफेक्ट नहीं करेगा त्वचा तो यानी कि स्किन मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हृदय और नेत्र जल्दी से यहाँ पर बताइए आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर दो यहाँ पर और कहाँ है सभी के सभी जल्दी से, से सेशन को एक बार लाइक और शेयर यहाँ पर आप सभी कर देंगे चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी सोच में पड़ गए चलो जल्दी से यहाँ पर सभी आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्रेन क्या हो जाएगा ब्रेन आपको पता है कि जब भी आपकी त्वचा में आंख में है ना या फिर आपके हर्ट में जो कुछ भी होता है उसका मैसेंजर कौन देता है आपके वो ब्रेन को देता है कौन तंत्रिका तंत्र है ना कौन देता है आपका तंत्रिका तंत्र ठीक है आपकी पूरी बॉडी में एक जाल सा फैला हुआ है जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी गतिविधि होती है जो कुछ भी हो रहा होता है उसको जाता है आपके ब्रेन को मैसेज है ना तो यहाँ पर अगर मस्तिष्क में भी चोट लगेगी तो वो क्या जाएगा ब्रेन के अंदर जाकर इन्फॉर्म करेगा तो यहाँ पर मस्तिष्क जो है वो क्या होगा वो दर्द महसूस नहीं करेगा बल्कि अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में चोट लगती है तो वो जाकर वहाँ पर मैसेज देगा कि भाई मुझे चोट लग गई है, है ना तो फटाफट इस वेरी गुड मॉर्निंग सर्वेंद्र अंजलि तो क्लियर है आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ब्रेन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा सभी को वेरी गुड मॉर्निंग अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं खुर तो आप सभी जानते हैं है ना ऐसे जानवर जिनके नीचे जो होता है पैरों में क्या पाए जाते हैं खुर पाए जाते हैं जैसे हमारे नाखून होते हैं इसी तरीके से बड़े बड़े नाखून टाइप के होते हैं और जिसे क्या कहा जाता है खुर कहा जाता है तो हिरण गीदड़ जेब्रा और घोड़ा इनमें से कौन सा आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा सचिन वेरी गुड मॉर्निंग और सेशन को सभी लाइक और शेयर यहाँ पर कर देंगे जल्दी से बताइए आंसर जो है आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या बात है अंकित वेरी गुड ललित अंकित का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है आई हेट माई लाइफ वाई आर यू हेट योर लाइफ है बच्चा जिंदगी से नफरत क्यों है भाई आपको नाम कहाँ से लेकर आ रहे हो एटीट्यूड चेंज करिए अपना एटीट्यूड चेंज करिए एटीट्यूड ही आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है पूरा का पूरा विकसित करने में हेल्प करता है तो अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ चलेंगे तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आपको ही दिखेगी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं इन एनी सिचुएशन तो क्या करते हैं आप जिंदगी में चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो उसका सोल्यूशन आपके सामने ज़रूर आ जाएगा क्योंकि वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो ये जो आपने नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर इसको क्या करिए आप सभी यहाँ पर आप सभी नहीं जो बच्चे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है वो यहाँ पर इसको चेंज कर लो भाई क्या दुश्मनी हो गई ज़िंदगी से तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आप सभी का जल्दी से बताओ दो तीन बच्चों का आंसर आ रहा है बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दिया है अंकित और ललित का और आई हेट माई लाइफ का तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जैकल यानी कि गीदड़ बाकी हिरन जैब्रा और घोड़ा ये क्या करते हैं आपको दौड़ने में क्या करते हैं मदद करते हैं खुर जो होते हैं जानवरों के पैरों में जो खुर होते हैं वो उनको दौड़ने में क्या करते हैं मदद करते हैं तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते हैं अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है फल फलों की यानी कि फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मीठापन जो होता है उसका यहाँ पर क्या कारण है अंजलि कौशल अनुराग बहुत बढ़िया जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा कि फल जो होते हैं फ्रूट्स जो होते हैं कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं खट्टे होते हैं या फिर जैसे कि आम होता है कच्चा कच्चा जो आम होता है वो खट्टा लगता है लेकिन पकने के बाद क्या हो जाता है वो मीठा लगने लगता है क्या बात है बहुत अच्छे अंकित चले जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर जो है फ्रूट्स में जो मीठापन का स्वाद आता है ये सभी क्या है राइबोज को छोड़ के माल्टोज लेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सभी शुगर के फॉर्म हैं जिसमें मीठेपन का स्वाद जो देता है वो फ्रक्टोज फॉर्म होती है शुगर की जो फलों में पाई जाती है तो यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा फ्रक्टोज आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा वेरी गुड सभी का आंसर बिल्कुल सही है बहुत अच्छे अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक नहीं है बहुलक मतलब नेचुरल पॉलीमर ठीक है बहुलक को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सत्या बेकेलाइट रेशम केवलार और टेक्सान ठीक है तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है विच वन इज नॉट द अनैचुरल पॉलीमर चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी बहुत अच्छे वेरी गुड जल्दी से आंसर दो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा नेचुरल प्राकृतिक तौर पर अगर हम हाँ बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्या वेरी गुड और हेट लाइफ <laughs> चलो सुबह सुबह चलिए तो यहाँ पर आंसर जो है आपको पता है कि जो रेशम होता है ये क्या है एक प्राकृतिक बहुलक है बाकी जो की बेकेलाइट केवलर और टेक्सॉन की बात करें तो ये क्या है आपके बैकेलाइट नहीं होगा बच्चे सही था आंसर क्या था सिल्क ठीक है आपको पता है आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का सिल्क आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है सही मैच नहीं है इंसुलिन शर्करा का नियंत्रण मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण और गैस्ट्रिक गैस्ट्रिकोशन की बात करें तो ग्रंथियों से दुग्ध का निर्णय या फिर गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन चलिए जल्दी से यहां पर बताओ कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा नहीं बच्चे उसमें था कि इसमें से कौन सा है है ना चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बहुत अच्छी कौशल क्या बात है जल्दी से यहाँ पर दो और सारे के सारे क्लास को लाइक शेयर तो कर दो है ना बाकी ये बच्चे भी फटाफट -फड़ से जुड़ जाएं और जल्दी से बताइए आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा इंसुलिन जो होता है इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये एक हार्मोन है इंसो लिन की अगर हम बात करें तो ये एक हार्मोन है जो कि कहाँ से निकलता है आपके अग्निया से यानी कि पेनक्रिया से है ना से सेट होता है और पेनक्रियाज में पाई जाती हैं आपकी कौन सी बीटा सेल जो कि क्या करती हैं आपकी जो ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती हैं है ना जो कहते हैं ना कि बॉडी में बहुत शुगर लेवल बढ़ गया है डायबिटीज जो होती है है ना कहते हैं डायबिटीज जो होती है उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का कार्य यहाँ पर कौन करेगा इंसुलिन करेगा मेलाटोनिन की बात करें तो ये एक प्रकार का हॉर्मोन होता है जो कि आपके निंद्रा पर मतलब स्लीपिंग पर कंट्रोल करता है है ना किस पर कंट्रोल करता है निद्रा पर और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये जो है बेसिकली फीमेल्स में सिक्रीट होने वाला हारमोन है जो कि जब कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है इसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है तो जब डिलीवरी होती है है ना बेसिकली जब डिलीवरी होती है जब बच्चा नया जन्म लेता है तो उस समय ये दुग्ध ग्रंथियों के तौर पर क्या होता है फीमेल में सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक की बात करें तो ये है आपके पेट में जो पाचन होता है तो यहाँ पर ब्लड नहीं होगा ठीक है रक्तचाप नहीं होगा ब्लड प्रेशर नहीं होगा बल्कि ये क्या करता है फूड का डाइजेशन करने का कार्य करता है ठीक है हाँ बिल्कुल सही तो ये रक्तचाप को नहीं बल्कि फूड का यानी कि भोजन का नियमन करता है तो आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा आप सभी बी का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर है चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर कि यूरिया क्या है यूरिया की बात करें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है एक नाइट्रोजन अकार्बनिक यौगिक है एक पादप हार्मोन है एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है जल्दी से यहाँ पर आंसर दो पंकज वेरी गुड मॉर्निंग चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूँ यूरिया की तो यूरिया क्या है जल्दी से आंसर दीजिए कि यूरिया जो है क्या होगा यूरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है क्या है नाइट्रोजन की अगर अगर यूरिया की बात करें अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है यूरिया क्या है आई नाइट्रोजन अ... नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है इसको याद रखिएगा ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है है ना अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एल सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है आपने देखा होगा कि एल जो गैस होती है नेचुरल पेट्रोलियम लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है उसमें क्या होता है एक प्रकार की गंध आती है, है ना स्मेल आती है तो वो किस गैस की वजह से होता है मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन और इथाइल मरकेपटेन चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए सभी का क्या हो जाएगा बहुत अच्छे कौशल का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है बाकी बच्चे भी फटाफट पड़ से आंसर दो कि हाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए वेरी गुड सौरभ आंसर जो है वो क्या होगा जो आपका एलपीजी गैस yes होती है जिसको हम क्या कहते हैं लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है इसमें जो प्रेगनेंस जो स्मेल आती है वो किस गैस की होती है इथाइल मर्केप्टेन किसकी होती है इथाइल मर्केप्टेन ब्यूटेन नहीं होती है बच्चा चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम है मानव शरीर में स्टार्च और अपघट घट एजाइम डायस्टिज डाय विद्यमान रहता है ये दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं या दोनों ही कथन सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं एक सही दूसरा गलत है या दूसरा सही पहला गलत है तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए <coughs> दोनों ही स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल सही सत्या आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है मानव शरीर में सेलूलोर का पारचम जो होता है अक्षम होता है यानी कि अनेबल होता है और आ, मानव शरीर में स्टार्च अब अवघट यानी स्टार्च डिग्रीडेशन एंजाइम जो होते हैं डाई स्टेज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी दोनों ही जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है तो आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा बी आंसर होगा लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं एक दूसरे का एक्सप्लेशन नहीं कर रहे हैं अब बात करेंगे हम कि विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी और विटामिन के तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ठीक है यहां पर बताओ जल्दी से जल्दी से बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ए बी सी डी कमलेश बहुत क्या बात है सारे के सारे आंसर आपके सही हैं चलो जल्दी से सही सही आंसर दीजिए कि आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ बहुत सोच में पड़े हुए हैं और जल्दी से सेशन को सभी लाइक शेयर यहाँ पर कर देंगे वेरी गुड कमलेश जल्दी से बताओ बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा विटामिन डी आपको पता है विटामिन बी से क्या होता है आपका इम्यूनिटी डिफेंसिव फैक्टर के तौर पर यह कार्य करता है है ना विटामिन सी की बात करें तो ये क्या करता है स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है आपका रिकेट्स कौन सा होता है रिकेट्स? ठीक है, है तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसर जो है हाँ पर क्या हो जाएगा आपका विटामिन सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं कि इसमें से कौन सा सही मतलब आयोडीन की कमी से होता है आयोडीन की कमी से अगर हम बात करें तो कौन सा रोग होता है रतोंदी कर्क रोग घेंगा रोग और अस्थि सुशीलता ठीक है चलिए जल्दी से बताइए ऑस्टियोप्रोसेस जल्दी से बताओ वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक और जल्दी से, से सेशन को सभी लाइक शेयर कर दो तो जल्दी से बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बहुत अच्छे सत्या प्रतीक जल्दी से दीजिए वेरी गुड कौन सा रोग होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है घेंगा रोग होता है कौन सा होता है घेंगा रोग यहाँ पर होता है ठीक है तो आंस इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में ईफो ईसो डिजीज क्या बोलते हैं ईसो डिजीज अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल अम्ल जो है है ना अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो अंगूर इमली केला प्रचुर मात्रा में इसमें विद्यमान होता है ऑर्गेनिक एसिड इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो कि अंगूर में है ना? इमली में और साथी के साथ केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जल्दी से यहाँ पर बताइए कि एसिटिक एसिड होता है सिट्रिक एसिड होता है लैक्टिक होता है या फिर टाट्रिक होता है जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा चलो तो एसिटिक एसिड एसिर्ट की बात करें तो जो आपका सिरका होता है है ना क्या होता है सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड की बात करें जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं है ना किसमें पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा सिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये दूध पनीर है ना इन सभी में पाया जाता है कौन सा लैक्टिक एसिड और टार्ट्रिक की बात करें तो इमली हो गई केला हो गया अंगूर हो गया इन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको यहाँ पर आप सभी ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आप सभी का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर है चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर फ्रूट्स में हाँ बिल्कुल सही अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन डीजल मिट्टी का तेल और कोयला है ना तो इनमें से कौन सा जो है प्रदूषण का कारक नहीं है जल्दी से यहाँ पर बताइए बहुत बढ़िया क्या बात है जल्दी से बताइए यहाँ पर जो आंसर है आप सभी का क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन डीजल मिट्टी का तेल और कोयला इनमें से कौन सा आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल सही आपको पता है डीजल गाड़ियों में पड़ता है डीजल जलने से भी क्या होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है मिट्टी का तेल है ना पहले क्या होता था मिट्टी का जो तेल है जिसको हम क्या कहते हैं कैरोसिन कहते हैं और ये घरों में जो चूल्हे हुआ करते थे उनके अब खाना पकाने के लिए क्या करते थे गैस जब नहीं थी उससे पहले इसका प्रयोग किया जाता था जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता था पॉल्यूशन का कार्य यहाँ पर करता था और साथ ही के साथ कोयला जलने पे भी क्या होता है आपका पॉल्यूशन होता है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है है ना हाइड्रोजन जो है वो एनवायरमेंट जो क्या बोले कि पर्यावरणीय प्रदूषण में क्या करता है योगदान नहीं देता तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है ऐसा कौन सा जानवर ऐसा कौन सा जीव है है ना ऐसा कौन सा जीव है जिसका शरीर है ना शरीर जो है उसका सर उससे ज्यादा बड़ा होता है शरीर उसका छोटा है लेकिन उसका जो मस्तिष्क है जो ऊपरी भाग है वो सबसे बड़ा होता है चलिए जल्दी से आंसर दीजिए चीटी हाथी डॉल्फिन और मानव जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल अब अब नहीं मिलता है बैन कर दिया गया है चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो बिल्कुल सही अगर आप देखोगे तो चीटी का जो सर होता है, है ना चीटी का अगर आप सर देखोगे तो उसकी बॉडी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है तो यहाँ पर आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से क्या किया जा सकता है ट्रैक किया जाता है ड्रॉपलर प्रभाव द्वारा के द्वारा सोनार के द्वारा या फिर पल्सर के द्वारा जल्दी से बताइए संतोष वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा तो तो पर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा आपका ड्रॉपलर प्रभाव ठीक है एक साइंटिस्ट से ड्रॉपर जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया इस ड्रॉपलर प्रभाव में कि जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है जो ध्वनि की तरंग थहर होती है वो कहीं ज़्यादा अधिक होती है अगर आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेन आपके पास से कहीं दूर से भी अगर होकर गुजरता है तो उसकी ध्वनि उसका जो वाइब्रेशन होता है वो आप महसूस कर सकते हैं बेसिकली आज के टाइम में जो होता है जो प्लेन होते हैं राडार जो है वो क्या करता है रेडिएशन के द्वारा एक दूसरे को संदेश देता है है ना तो यहाँ पर जो बेसिकली आंसर जो है वो सही होगा कौन सा डॉपलर प्रभाव ठीक है क्या होगा आपका डॉपलर प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले पांच बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं ठीक है एक सुरंग है जिसमें हंड्रेड के कितने पांच बल्ब हैं जो कि बीस घंटे यहाँ पर चलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत तो जो है खर्च होगी कितने यूनिट की तो यहाँ पर एक यूनिट दो यूनिट दस यूनिट या फिर बीस यूनिट कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आयुष वेरी गुड मॉर्निंग चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बात करें तो आपको पता है कि दस यूनिट इसका सही आंसर होगा ठीक है आप देखोगे कि एक जो वाट होता है उसमें कितने होते हैं हंड्रेड थाउजेंड बोल्ड होते हैं बिल्कुल सही तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हंड्रेड वाट का है इन टू फाइव वल्ब हैं और बीस घंटे जलाया जाता है और इसको डिवाइड कर देंगे आप थाउजेंड से था। 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 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दस यूनिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वेरी गुड समझ में बार, आ रही है बात क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बारे में बात करते हैं ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है नहीं चलो ओके तो 10 ग्राम सौ ग्राम चीनी है और उसको आधा लीटर पानी में क्या किया जाता है घोला जाता है शरबत तो सभी ने बनाया होगा चीनी पानी का घोल बनाकर है ना तो यहाँ पर अस्त्र चीनी का घोल तैयार किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा अगर चीनी और पानी के घोल का मिक्सचर बनाया जाए तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा द्रव्यमान में घनत्व में सांद्रता में और आयतन में जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए आप सभी के आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ बिल्कुल क्या बात है तो यहाँ पर आंसर जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसका आयतन थोड़ी बढ़ जाएगा अगर आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान में परिवर्तन होता है घनत्व में होता है और उसकी डेंसिटी यानी कि सांद्रता में भी परिवर्तन होता है लेकिन किस में नहीं होगा आयतन में परिवर्तन नहीं होता है अगर चीनी पानी के घोल को मिलाया जाए अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मोबाइल चार्जर जो है वो होता है एक इन्वर्टर होता है एक यूपीएस होता है एक उच्चाई ट्रांसफर होता है या फिर एक अपचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है यहाँ पर अगर मैं बात करूं बहुत बढ़िया यहाँ पर मोबाइल चार्जर जो है जो आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर की जो पिन है तो आपको पता है कि जितना भी आपका करंट होता है है ना वो क्या करता है वो हाई वोल्टेज में होता है और उसको लो वोल्टेज में कर, आ, कन्वर्ट करके आपके मोबाइल चार्जर के थ्रू क्या किया जाता है चार्ज किया जाता है अगर सेम वोल्टेज में होगा तो आपका तो फोन फट जाएगा है ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जब कहते हैं ना वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो पहले क्या होता था कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए नहीं हुआ था तो क्या करते थे जो एक स्विच लगाया जाता था जिसमें कि एक वायर कनेक्ट किया जाता था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो टूट जाता था वोल्टेज हाई होने पर तो इसी तरीके से अगर वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो क्या होगा फोन जो है फट जाएगा तो यहाँ पर एक उप अब चाई ट्रांसफॉर्मर के फॉर्म में क्या होता है जो हाई वोल्टेज होता है 200 वोल्टेज को वो 20 वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपके फोन को यहाँ पर चार्ज करता है बात सभी को समझ में आ रही है यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पिताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है प्रोटीन का वसा का कार्बोहाइड्रेट्स का या न्यूक्लाइक अम्ल का जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा कि पित्ताशय में है ना पित्ताशय को क्या बोलते हैं गोल ब्लैडर में जो इफेक्ट होता है डाइजेस्टिज का उस पर वेरी गुड चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा वेरी गुड मॉर्निंग तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्रोटीन आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंदी रंजकहीनता हीमोफीलिया और वर्णानता इनमें कौन सा ऐसा रोग है जो कि आनुवांशिक नहीं आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं जो आपके दादा से या दादी से या फिर पापा से मम्मी से किस में बच्चों में जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम जेनेटिक रोग कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर आंसर जो है आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए आप सभी के कमेंट जो है काफी लेट आ रहे हैं जल्दी से यहां पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा प्रद्युमना वेरी गुड आंसर जो है वो क्या होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस रतौंदी आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा ये रतौंदी जो है वो किसकी कमी से होता है विटामिन ए की कमी से होता है किससे होता है विटामिन ए की कमी से होता है है ना विटामिन जो है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस बाकी ये सभी जो हैं कैसे हैं जेनेटिक डिजीज हैं कैसे हैं जेनेटिक डिजीज़ हैं तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आप सभी का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाए अब बात करेंगे एक कटा हुआ हीरा जगमागाहट के साथ चमकता है है ना कुछ स्वाभाविक गुण के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसकी आर्णवरिक संरक्षणा के कारण या प्रकाश के अवशोषण के कारण तो आपको पता है कि जो हीरा होता है है ना डायमंड जो होता है उसकी चमक जो उसकी चमक होती है उसी आधार पर वो सबसे ज्यादा चमकीला होता है अगर आप देखोगे कि इसके अंदर हीरे के अंदर एक आंतरिक कोण होता है है ना उसमें जब आप कोई भी लाइट यानी कि प्रकाश कुंज अगर हीरे से गुजारते हैं तो वो अपने सभी कोणों से टकराकर फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसकी वजह से हमें क्या करता है हीरा जो है वो चमक चम्चमा, चमचमाता हुआ दिखाई यहाँ पर देखता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ड्यू टू टो टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन बात समझ में आ रही है सभी को बहुत बढ़िया वेरी गुड अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अफीम हींग रबड़ और कुनेद ये जो अफीम है किससे प्राप्त होता है हींग की बात करें तो किससे प्राप्त होगा रबर या कुनेन की बात करें तो ये किससे प्राप्त यहाँ पर होगा चलो जल्दी से बताओ अफीम जो है वो किससे प्राप्त होगा मेरे यहां कोई नहीं खाता है भैया नहीं बनाती हूँ चलो भाई <laughs> क्या बात है ये क्या चल रहा है क्या हो रहा है भाई चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो अगर मैं बात करूं अफीम की तो अफीम जो है वो क्या है एक प्रकार का फल है ठीक है अफीम जो है वो किससे प्राप्त होगा एक फल से प्राप्त होगा हींग तो हो हो की बात करें तो हींग जो है वो किससे प्राप्त होगी आपकी जड़ से ठीक है किससे जड़ से प्राप्त होगी रबड़ की बात करें तो किससे किससे प्राप्त होती है तना जो होता है है ना किससे प्राप्त होगा पेड़ के तने से और यहाँ पर बात करूँ अगर कुनेन की तो कुनेन किससे प्राप्त होता है यहाँ पर छाल से तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आप सभी का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अफीम किससे प्राप्त होता है फल है अफीम किससे प्राप्त करते हैं फल से करते हैं हींग की बात करें तो ये जड़ से प्राप्त होती है रबड़ की बात करें तो ये किससे प्राप्त होती है तने से होती है और कुनेन की बात करें तो ये किससे नहीं मिलता है हमको छाल से मिलता है क्लियर है यहाँ पर चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि टेलीविजन दर्शन एंटीना उ, आ, करते हुए की में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होते हैं आपने देखा होगा पहले क्या था एंटीना चलते थे है ना इस तरीके से लगाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके का एंटीना लगे होते थे है ना एंटीना आपने देखा होगा चलो याद आया होगा बचपन का तो एंटीना छोटे होते थे है ना जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल प्राप्त नहीं होते थे क्या पूछ रहा है सिग्नल प्राप्त क्यों नहीं होते थे ठीक है वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती थी इस कारण या फिर वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा से मूल दिशा से विचलित हो जाती थी तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा ये जो एंटीना था आपका इसका क्या रीजन यहाँ पर होगा जल्दी से बताइए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल तो यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल तीनों ही हैं आपने देखा होगा पहले छोटे छोटे एंटीना आया करते थे है ना पहले छोटे छोटे एंटीना आया करते थे जो सिग्नल नहीं पकड़ते थे और बारिश होती थी तो वो हिल जाते थे फिर छत पे जाते थे फिर ठीक कर रहे होते थे कि ठीक है हो जाएगा है ना और उसके बाद नीचे आवाज लगाते थे कि अब सिग्नल आ गया तो आवाज आती थी अभी नहीं आया है फिर से कर पड़ता था कि किस में लगाया कि आपकी छोटा होता था वर्षा की बूंदों में रेडियो एक्टिव जो रेडियो तरंगें थी वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेती थी और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को क्या कर देती थी विचलित कर देती थी है ना अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ठीक है यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है गरण, जो है नीली हरी सहवाल धान राइजोबियम जो है वो आ, सारम मटर या फिर एजोटा वेक्टर गेहूं अजोला मक्का ये सभी क्या है एक तरीके के जीवाणु हैं चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए हाँ चलो जल्दी से यहां पर बताओ कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा चलिए जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है यहां पर ओके तो इसमें सही आंसर जो है वो क्या होगा आपका एजोला आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ये सुमेलित नहीं है बल्कि नीली हरी शैवाल धान से हो जाता है राइजोबियम की बात करें तो मटर होगा और यहां पर Uh, मटर के साथ साथ यहाँ पर दाले भी होगा और एजोटिक वेक्टर की बात करें तो ये गेहूँ के फसल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा डी आंसर आप सभी का सही हो जाए अब बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उनके नीचे दिए गए कोट जो है आ, सही उत्तर नहीं है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन जो है अनुकूल था ब्रिटिश टाइम की बात करें तो भारत के साथ जो ट्रेड था ब्रिटिश का वो क्या था पैनल था संतुलित था या फिर अगर हम बात करें धन की निकासी का स्वरूप जो था अप्रतिफलित निर्यात था तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर चले तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो धन की निष्कासित ब्रिटिश काल में आप सभी को पता है कि भाई उन्होंने बैलेंस करके तो ट्रेड किया नहीं एक बार उनको पता चल गया कि यहाँ पर ट्रेड की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद से उन्होंने क्या किया अंधाधुंध तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी है ना तो वहाँ पे संतुलन जैसी बात ही नहीं थी है ना और अगर हम बात करें धन की निशासी के स्वरूप का तो आपको पता है कि यहाँ का भारत का बहुत सारा जो मटेरियल था वो क्या करते थे रॉ मटेरियल को ले जाकर ब्रिटिश सरकार वहां पर क्या करती थी फैक्ट्रीज के थ्रू मॉडिफाई करके उसी को उच्च दावों में यहाँ पर भेजकर भारत में सेल करती थी तो ये कोई बैलेंस नहीं हुआ है ना ये तो कोई बैलेंसिंग नहीं हुई तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा कि आपका जो ए स्टेटमेंट है वो गलत है और आर यहाँ पर सही तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर है बहुत बढ़िया बी नहीं होगा बच्चे अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया गया है पुजारी के लिए स्त्री के लिए गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए जल्दी से बताइए कि अगर एंशियन टाइम की मैं बात करूं एंशियन पीरियड की तो एनशियन पीरियड में जो आपकी अघन्या है वो किसे कहा गया है पुजारी को स्त्री को गाय को या फिर आपके ब्राह्मण को जल्दी से यहाँ पर बताइए और सेशन को सभी लाइक सत्य मौसम ऐसा हो रहा है सबके साथ ऐसा ही हो रहा ब्रिटेन में है बच्चे ब्रिटेन की महारानी के ताज पे लगा हुआ है कोहिनूर हीरा चलो तो यहाँ पर बात करें तो अघन्या कहा जाता था ऋग्वेद में गाय को किसे कहा जाता गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था और उसे क्या कहते थे हम यहां पर अघन्या के नाम से जानते थे ठीक है इसको आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो द द राइट आंसर क्लियर है अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में में से किस गुफा ग्यारह बौद्धि सत्व का अंकन मिलता है अजंता एलोरा कनेरी और कार्ले चले जल्दी से यहां पर बताइए आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा चलो जल्दी से यहां पर बताओ कि आंसर हाँ जी बिल्कुल बहुत खुश बहुत खुश बहुत बढ़िया चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का जल्दी से बताओ किसका सही आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया आंसर जो है क्या हो जाएगा अजंता की गुफाएं ठीक है अजंता की गुफाएं में क्या मिलता है ग्यारह सत्र के सिरे यहाँ पर अंकन किए गए हैं अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सूची एक को दूसरे के साथ सुमेलित करना है गांधार कला जूनागढ़ शिला लेख मिलिंद पन्नो और तक्ष शिला लेख मिनांडर पते कुषाण और रुद्र दामन तो इसको किसके द्वारा तैयार यहाँ पर किया गया है जल्दी से आंसर दीजिए कि आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा तो अगर गांधार कला की बात करें तो इसको किसके द्वारा किया गया था कुषाणों के द्वारा किया गया था ठीक है गांधार कला का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था कुषाणों के द्वारा किया गया जूनागढ़ शिला जो है रुद्र दामन के द्वारा जूनागढ़ शिला जो कि कहाँ पर है गुजरात में वहां के नरेश रुद्र दामन के द्वारा इसका क्या किया गया है निर्माण किया गया मिलिन पन्नो की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है मीनांडर के द्वारा मैंने आपको बताया था मिलिंद पन्नो जो है एक तरीके का ग्रंथ है एक पुस्तक है जिसमें जो भारत के नागा अर्जुन थे दक्षिण भारत के एक राजा थे जिनका नाम था नागा अर्जुन उससे मिलने आया था आपका मीनांडर ठीक है मीनांडर मिलने आया और उसने उससे सवाल किए कि आप मुझे बताइए कि आप बौद्ध धर्म को इतना क्यों मानते हैं तो उसी को लेकर इनका वाद विवाद जो होता है है ना नागा, नागा उसी उसी संग्रह दिया गया है पन्नो में ठीक है किसमें दिया गया है मिलेंद्र पन्नो में और तक्षशिला लेख की बात करें तो ये किसमें है आपके पतिक तो यहाँ पर आंसर जो है इस हिसाब से सी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बात सभी को क्लियर है चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा में सुमेलित नहीं है हेक्टर मोनरो के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड बेलजिली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कार्डवे कारण्डवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ यहां पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा चलिए जल्दी से बताइए चलो तो ये है भाई आज का आपका होमवर्क इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे इवनिंग वाली क्लास में देंगे ठीक है शाम को छः बजे वाली क्लास में आप सभी को पता है क्या चल रहा है इंडियन जोग्राफी करा रही हूँ विद मैपिंग के साथ है ना मैपिंग के साथ हमने क्या लिए? पूरा का पूरा जो आ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का उसको हमने देखा था भारत का अव भारत की अवस्थिति और पूरा का पूरा जो विस्तार है और टाइम जोन कैसे होता है टाइम डिसाइड कैसे होता है सब कुछ हमने देखा था और इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे आज शाम को छः बजे की क्लास में और ये क्वेश्चन जो है आपसे वहीं पर डिस्कस किया जाएगा तो ये है आप सभी के लिए बिल्कुल सही वैसे बच्चों के आंसर काफी सही आ रहे हैं तो याद रखिएगा और इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और अब मिलूंगी मैं आपको कहाँ पर शाम को छ बजे ठीक है कहाँ मिलेंगे हम शाम को छ बजे ठीक है तो इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते डेली से मेरे साथ बने रहिए और जो सिकंदर बैच है उसको क्या करिए जम के प्रमोट करिए और सभी रेगुलर आप सभी क्लास में आ जाया करो और टाइम से आया करो ठीक है तो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय